2019 में 75 साल से ज्यादा उम्र के 20 से ज्यादा जो इनके सांसद थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, उनको ये बताकर चलता कर दिया गया कि आपकी उम्र 75 साल हो गई है, अब आप 9-2-11 हो जिए, लोगों दूसरे लोगों को आने की जगह दीजिए। था आडवाणी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें सुमित्रा महाजन थी, उसमें कलराज मिश्रा थे, उसमें बीएस कोश्यारी थे, बीएस खंडूरी थे, उसमें सत्यनारायण जटिया थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, इन सबको हुकुमदेव नारायण यादव थे और करिया मुंडा थे, शांता कुमार थे, इन सब लोगों को 75 पार की डेडलाइन बताई गई कि आप 75 साल के हो गए हैं, इसलिए अब आप जगह दीजिए, दूसरों को जाइए, हटिए। लेकिन अब अचानक ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए 2016 का मैं ये आर्टिकल लेकर आया हूँ आपके लिए और दर्शकों के लिए, ये आर्टिकल है 2016 का। 2016 में आनंदीबेन पटेल को सीएम पद से इस्तीफा इस वजह से देना पड़ गया था उस समय कि आनंदीबेन पटेल जो है 75 साल की हो गई थी और उन्होंने ये बयान दिया, ऑफिशियल बयान दिया कि वो वॉलंटरी जो है रिटायरमेंट ले रही हैं। क्यों? एनडीटीवी का आर्टिकल है और एनडीटीवी का आर्टिकल भी 2016 का आर्टिकल है कि ओवर 75 मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला कौन थी 2016, इस्तीफा ले लिया गया था नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय कैबिनेट में, ये महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी और इनका इस्तीफा लिया गया उम्र की वजह से। चंद्रकांत जी, आप नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं 2024 में आऊंगा तो बहुत बड़े बड़े फैसले, तीसरी पारी में बड़े बड़े फैसले, लाल किले से भी कहा उन्होंने। ये बात तो सच है कि अगर जनादेश मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये बात भी सच है कि बनने के एक साल के भीतर ही सितंबर आ जाएगा, 17 सितंबर उनका जन्मदिन है और उस दिन वो 75 साल के कंप्लीट हो रहे हैं, एक साल के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। हम और आप जब बात कर रहे हैं तब वो 73 साल 7 महीने 24 दिन के हैं, तो फिर वो 75 पूरे कर लेंगे एक साल के बाद, तो वो बड़ा फैसला क्या लेने वाले हैं? अमित शाह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए? इसके पीछे आप जाएंगे, नरेंद्र मोदी के उस बयान को आप अगर क्लब करेंगे कि मैं बहुत बड़े फैसले लूंगा 2024 में आने के बाद, तो क्या बड़ा फैसला अंदर खाने ये था कि जब मैं रिटायरमेंट लूंगा या थक जाऊंगा या अपनी गद्दी स्थानांतरित कर दूंगा बीच में अमित शाह को? क्योंकि आप ये भी मत भूलिए कि जिन अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो केजरीवाल उनका जन्म, उनकी पार्टी का जन्म कहां से हुआ, आप ये भी मत भूलिए। बिल्कुल, देश समझता है कि अरविंद केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ, तो उनकी पहुंच कहां तक होगी, किन लोगों से उनकी बात होती होगी, ये बात मुझे नहीं लगता कि ये बात हवा में है, कोई अनभिज्ञ नहीं है इससे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लान आगे जाएगा, वो प्लान जो, क्योंकि मोदी जी की वो क्या बोलते हैं, देने की आदत है, क्या दिया जाता है अचानक, जो चौंकाने की आदत, हैरान करने की आदत है, कभी कैंडिडेट से, कभी फैसलों से, कभी रात में आकर नोटबंदी कर देने से, कभी अचानक आकर कुछ घोषणा, थाली बजाओ कल से थाली बजाओ, अचानक आकर वो करते हैं सारी चीज़ें, सरप्राइज। तो क्या वो सरप्राइज एलिमेंट यही था कि मोदी एक दिन अचानक आते और ये कहते कि अब से आपके प्रधानमंत्री अमित शाह हैं? क्या वो बात जो बहुत दिन बाद खुलनी थी या साल भर बाद खुलनी थी वो चुनाव के बीच खुल गई, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर अमित शाह का आना लाजमी बनता है कि अमित शाह को आकर ये बताना पड़ गया कि नहीं नहीं, हम मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके पीछे भी कारण है, ये डिनायल का भी कारण है। वरना आज की तारीख में चंद्रकांत जी आप देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कोई कह रहा है और वो सामने से आकर कहे कि नहीं भैया हम नहीं बन पाएंगे, वही बनेंगे। आज की तारीख में है कोई ऐसा? जब चुनाव ही आप पूरा लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, जीतने के लिए, तो फिर ये डिनायल क्यों कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? ये डिनायल इसलिए क्योंकि जनता अमित शाह के नाम पर वोट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, जनता अमित शाह के नाम पर वोट देगी ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबरा गई, इसीलिए तिलमिला गई कि अगर अमित शाह का नाम चल गया कि अमित शाह के लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं तो लोगों का भरोसा हट जाएगा। अच्छा, इसमें तो आपको मालूम ही है, उसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ, भाजपा के लोगों की क्या हालत है। ये हालत है कि आज, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अमित शाह को ही क्यों आना पड़ा सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही कि प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। मैं इसी सवाल पर आने वाला था, क्यों हटाया जाएगा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पूरी मीडिया में ये नैरेटिव सेट है और लोगों के जहन में, दिमाग में भी ये नैरेटिव योगी आदित्यनाथ की टीम ने सेट किया है कि मोदी के बाद कौन? योगी। जैसे अमित शाह और मोदी ने ये नैरेटिव सेट किया कि अब की बार भाजपा सरकार, नेक्स्ट बार इनकी सरकार, अब 2047-48 की बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की भी सोशल मीडिया टीम ने एक बड़ा नैरेटिव सेट किया और गढ़ा कि मोदी के बाद कौन? योगी। अब अमित शाह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से यहाँ तक लाने वाले, हमेशा नरेंद्र मोदी की परछाई बने रहने वाले, नरेंद्र मोदी के लिए तमाम सारे दुख सहने वाले, पीड़ा सहने वाले, तड़ी पार तक हो जाने वाले, अमित शाह का नाम
मोदी के बाद शाह ना होकर मोदी के बाद योगी हो जाए, ये तो अमित शाह सहन नहीं करेंगे। और क्या आज की राजनीति में चंद्रकांत जी आप ये स्वीकार करेंगे कि योगी आदित्यनाथ, भले ही वो मठ के पुजारी हो, महंत हो, योगी आदित्यनाथ हैं तो अमित शाह के जूनियर ही? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं। कल को अगर योगी के बाद मोदी हुआ, मोदी के बाद योगी हुआ और योगी आदित्यनाथ को आप एक बार मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री पर गद्दी पर, तो क्या अमित शाह उनके अंडर काम करने की स्वीकार्यता करेंगे कि मुझे? और आज की तारीख की तो लड़ाई ये है, कहने में तो ये है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच तलवारें खींची हुई हैं, तनातनी है। आप देखिए कि ब्रजभूषण चरण सिंह तो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे नेता मोदी हैं, योगी नहीं है, डिनाई किया उन्होंने।